Hello guys, welcome to Great Booster Maths Classes. Today in this lecture we will discuss a very important topic, and the topic is interesting also. Simple interest related काफी क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं. हमने कई मेथड आपको बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए. और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई मनी टू इक्वल अमाउंट्स दो जगह पे इन्वेस्ट कर रखी हैं, लेंड कर रखी हैं, उधार दे रखी हैं, अलग अलग रेट पर, अलग अलग टाइम पर, लेकिन उनसे जो मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट जो है वो बराबर हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं. इफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट और साथ में अमाउंट, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो अमाउंट भी बराबर ही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम है. आर इक्वल, प्रिंसिपल इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है यानी अमाउंट इक्वल है, तो हम क्या करते हैं. मान लीजिए केस वन और यह है केस टू. इस केस में प्रिंसिपल पी, इसमें भी प्रिंसिपल पी, ठीक है. इसमें आप मान लीजिए आर वन और टी वन टाइम है, इसमें हमारे पास आर टू और टी टू टाइम है. अपॉन में 100 और अपॉन में 100. अब कह दिया कि सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. अब इक्वल है तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आर वन टी वन इक्वल टू आर टू टी टू बचेगा. अब आर वन अपॉन आर टू, आर वन के नीचे आर टू ले लेते हैं और उधर टी टू नीचे चला जाएगा टी वन, यानी कि जो रेट्स हैं दोनों केस में उन दोनों का जो रेशियो है आर वन आर टू का वो टी टू रेशियो टी वन है, यानी कि उल्टा है हमारे पास. अब इसको ध्यान से देखिए, ये R1 और T1 का मल्टीप्लाई, ये R2 और T2 का मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई इक्वल है. अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर यहां तक नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा. और अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल पुट कर रहा हूं. यहां पे सपोज करो लेट R1 इज 12%, ठीक है, और T1 हमारे पास है 8 years. तो R1 R2 हमारे पास क्या होगा, 12 multiplied by 8 यानी कि 96 होगा. यानी R1 और T1 का जो प्रोडक्ट है, R1 और T1 का, R1 और T1 का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो 96 है. और दूसरा R2 और T2, अगर हम R2 और T2 को लेते हैं यहां पर कुछ भी, ये 12 और 8 है मल्टीप्लाई 96, यहां पर भी जो दोनों लेंगे उनका प्रोडक्ट 96 ही होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे केस में हम सपोज करो ये 16 और 6 ले लेते हैं, यानी कि हमने ले लिया R2 तो 16 और T2 है वो 6 ले लिया, ठीक है. अब बदलाव देखिए, ये 12 से 16 हो गया, ये 8 से 6, इसको बढ़ा दिया तो वो घट गया, एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होगा क्योंकि प्रोडक्ट फिक्स है. अब यहां पर 12 और 16 का जो रेशियो है 4 3 12 4 4 4, और यहां पर 8 और 6 का जो रेशियो है 2 4 2 3 4, तो देख सकते हैं आप ये रेशियो 3:4 आया है और ये 4:3 आया है, यानी ये तो आपके पास जो रेशियो है ये पहली आर है, ये दूसरी आर है. आर वन और आर टू का जो रेशियो है वो टी टू और टी वन के रेशियो के इक्वल है, यानी आर वन और आर टू दोनों का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा है, टी वन टी टू उल्टा आएगा आपके पास. ये 3:4 है तो टी वन टी टू 4:3 हो जाएगा, ओके, आए समझ में. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जब भी प्रोडक्ट फिक्स हो तो एक बदलाव करते हैं दूसरे में उल्टा बदलाव होता है, ठीक है. अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं इनसे रिलेटेड.
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू इक्वल सम्स ऑफ मनी आर लेंट एट द सेम टाइम एट 12% एंड 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मर मनी वाज रिकवर्ड 1 year earlier than the later one. Amount received in each case is rupees 3200. Find time for both sums of money lent. दो बराबर मनी है, वो सेम टाइम पर इन्वेस्ट की गई है, उधार दी गई है. पहले वाली को 12% पर एनम रेट पर, दूसरे वाली को 10% पर एनम रेट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया है. तो पहले वाली मनी है वो एक साल पहले निकाल ली जाती है, यानी उसको एक साल कम टाइम के लिए उधार दिया गया है. और दोनों से जो अमाउंट मिलता है, अमाउंट रसीद जो अमाउंट मिलेगी सिंपल इंटरेस्ट मिला के प्रिंसिपल में, वो 3200 रुपए है. हमें दोनों केस का टाइम फाइंड आउट करना है. तो इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा. एक तरीका तो जो अभी हमने मैंने आपको बताया था कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से, उससे सिखाऊंगा आपके पास. तो केस वन हमारे पास है और केस टू है, ठीक है. दोनों केस में जो आर वन और आर टू है, आर वन हमारे पास कितना है 12%, ठीक है. और जो आर टू है वो हमारे पास है 10%, ठीक है. और T1 हमारे पास और T2 हमें टाइम फाइंड आउट करनी है, ओके. अब R1 और ये R2 और दूसरा T1 और T2, R1 और R2 का रेशियो निकालो. R1 रेशियो R2 12:10 है, 6:5. तो T1 और T2 क्या होगा, T1:T2 उल्टा होगा, 5:6. अब T1 हमारे पास और T2 ये पहले वाले केस में 5 तो दूसरे में 6 है. अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है, डिफरेंस इज 1. और क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से कहा है कि एक साल पहले निकाल लिया गया, तो 1 के इक्वल है ये डिफरेंस. यहाँ पर कुछ और भी आ सकता था, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस 2 आ जाता, तो 2 1 को शो कर रहा, ठीक है. तो 1 किसको शो करेगा, आपको, उस हिसाब से हम लेते, ठीक है. तो यहाँ पर इत्तेफाकन दोनों चीजें बराबर आ गई. तो पहले वाला जो टाइम है वो 5 साल आ गया और जो दूसरे वाला टाइम है वो 6 साल आ गया हमारे पास, ठीक है. इनवर्स प्रोपोर्शनल से तो ऐसे होगा. अब दूसरा तरीका से बताऊंगा आपको, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे. तो हमारे पास देखिए 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2. केस 1 में प्रिंसिपल पी, इसमें भी प्रिंसिपल पी सेम है, इसमें रेट है 12, इसमें रेट है 10, इसमें टाइम मान लीजिए टी है, ठीक है. और इसमें टाइम आप T+1 बुक कर रहे, क्योंकि ये एक साल पहले निकाला गया है, इसमें टाइम टी है, तो इसमें T+1 हो जाएगा. अपॉन में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का है. दोनों इक्वल है क्योंकि अमाउंट सेम है. अमाउंट सेम तभी आएगा जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट सेम होंगे. प्रिंसिपल सेम है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, तभी अमाउंट सेम आएगा. तो ये दोनों इक्वल हो गई. अब 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, पी से पी कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास बच गया है 12T इक्वल टू 10T+10. अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 12T-10T इक्वल टू 10, 2T इक्वल टू 10T आ गया 5. यानी पहले केस का जो टाइम है वो 5 साल है, दूसरे केस का 5+1 6 years है. तो इस तरह से आप दो तरीकों से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमने किया था पहले वो और अभी. अब दूसरी चीज आपने गौर किया या नहीं, ये जो पैसा है, ये अमाउंट हमने इस्तेमाल ही नहीं की कहीं पर भी टाइम को फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये बराबर है. अगर सिर्फ इतना दे देता कि अमाउंट रिसीव्ड इन केस इज इक्वल, तब भी हम टाइम फाइंड आउट कर सकते थे. अगर ये दे रखा है तो हम प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा नहीं है, अगर हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ. तो प्रिंसिपल हमारे पास मान लीजिए पी, ठीक है, प्लस में प्रिंसिपल रेट 12 टाइम 5
अपॉन 100, ये 3200 है हमारे पास, क्योंकि अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको कैंसिल कर दो, 24 से 3 जा, ये 5 जा, 5p प्लस 3p 8p अपॉन 5 इक्वल टू 3200, p आ जाएगा हमारे पास 3200 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 8। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 400 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और करवाते हैं इसी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल सम्स ऑफ मनी आर लेंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर टू इक्वल मनी उधार दी गई है एट 8% एंड 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द फॉर्मर मनी वाज रिकवर्ड 6 मंथ्स अर्लियर देन द लेटर वन एंड द अमाउंट इन ईच केस इज रुपीज 2560, व्हाट इज द सम। दो बराबर मनी है, टू इक्वल मनी यानी कि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल ए इक्वल सेम, उसके बाद जो अमाउंट आया है वो भी सेम है, अमाउंट 2560 सेम है दोनों केस में। ठीक है, पहले वाले को 8% पर इन्वेस्ट किया है, दूसरे वाले को 7% पर इन्वेस्ट किया है, और पहले वाले को 6 महीने पहले निकाल लिया गया और फिर भी अमाउंट जो है वो इक्वल है, हमें निकालना है कितना पैसा उधार दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर R1 और R2 का रेशियो 8:7 है, तो टाइम का क्या होगा, टाइम T1 और T2 दोनों टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, ये 8:7 है तो 7:8 हो जाएगा, यानी कि पहले केस में 7 साल है तो दूसरे में 8 साल है। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 साल है हमारे पास 1 साल, लेकिन यहां पे अंतर 6 महीने का है। अगर यहां पर डिफरेंस 1 है और यहां पर 6 महीने है, इसका मतलब कि 1 किसके किसके इक्विवेलेंट है, 0.5 के, 1 जो है वो 0.5 है। अब ये जो चीज है ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट और लगाऊंगा यहां पे। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर इक्वल टू ₹40 है, 1 किलो चीनी ₹40 की अगर आती है तो हमारे पास क्या केस होंगे, शुगर इन किलोग्राम और यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीज। अब 1 किलो है तो 40 की होगी, ठीक है, अगर 2 है तो 80 की होगी, 3 है तो 120 की, 0.5 है तो 20 की होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यही बात यहां पे मैंने लिखी है, 1 अगर 0.5 है तो यहां पर 7 कितना होगा, 7, 1 0.5 है इसका हाफ जा रहा है तो 7 का 3.5, ठीक है, तो यानी कि ये 3.5 इयर्स के लिए दे रखा है पैसा, और 4 क्या होगा, ये 8 क्या हो जाएगा, 4 ईयर, ये वाला जो पैसा है वो 4 साल के लिए दे रखा है, तो हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। अब रेट है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, अमाउंट है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब हम इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पी प्लस पी आ दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें टाइम डेसिमल में नहीं है, फोर वाला, तो यहां पर जो रेट है वो 7 है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 100 इक्वल टू अमाउंट 2560। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। अगर हम रेट 8% लेते तो टाइम हमें 3.5 लेना था, काट देंगे 25p प्लस 7 32p अपॉन 25 इक्वल टू 2560। ठीक है, पी आ जाएगा हमारे पास 2560 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 32, 16 का स्क्वायर होता है 256 और अब ये कट जाएगा आपका 80p, 80 और 25 का प्रोडक्ट 2000। प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास
2000 रुपीज आ गए इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाएंगे इस मेथड का, फिर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को उस मेथड से और करवा देते हैं जो पिछले क्वेश्चन को दो मेथड से किया था, वो मेथड भी आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और जो भी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो केस वन और केस टू, यहां पर हमारे पास 8%, यहां पर 7%। ठीक है, टाइम यहां पर मान लीजिए टी है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके पास टी प्लस 0.5, क्योंकि 6 महीने पहले निकाला गया तो 6 महीने ज्यादा टाइम है इससे। तो अब हम रखेंगे पी रेट 8 टाइम टी अपॉन 100 और ये पी रेट 7 और टाइम टी प्लस 0.5 अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल है, पी से पी कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 80 इक्वल टू 70 प्लस 3.5। अब 80 माइनस 70 टी इक्वल टू 3.5 इयर्स, पहले केस में 3.5 इयर्स आ गया, दूसरे केस में 4 इयर्स आ जाएगा 0.5 ऐड करके। फिर आप सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएंगे दोनों मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टू इक्वल सम्स ऑफ मनी आर लेंड एट द सेम टाइम एट 18% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट, द फॉर्मर मनी वाज रिकवर्ड 2 इयर्स अर्लियर देन द लेटर वन। पहले वाली को 18% पर, दूसरे वाले को 15% पर उधार दिया गया है, पहले वाली मनी को 2 साल पहले निकाल लिया है और जो अमाउंट आया है दोनों मनी से वो एक्स है, यानी कि इक्वल है। हमें फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 18% और 15% दोनों का रेशियो कितना है, यानी कि 3:6 या 3:5 या 15, 6:5 रेशियो है। आर वन और आर टू का जो रेशियो है वो 6:5 है, 6:5 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टी वन और टी टू का रेशियो जब उल्टा होगा 5:6, यानी कि 5 और 6, ये 5 और ये 6, डिफरेंस 1 है। अब यहां पर तो 2 साल का है कि 2 साल पहले निकाली गई है, यानी कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, और 6 किसको करेगा, 12 को। तो टाइम जो हमारे पास फर्स्ट टाइम तो आ गया 10 साल और दूसरा टाइम आ गया 12 साल, 12 इयर्स एंड 10 इयर्स एंड 12 इयर्स टाइम हो जाएगा हमारे पास। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं जिनसे हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं उससे करना चाहें तो देखिए कैसे होगा। इस केस में टाइम हमारे पास, हमने टी ले लिया तो इस केस में टी प्लस 2 होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल रेट 18 है, टाइम टी है अपॉन 100 और यहां पे प्रिंसिपल वही है, रेट 15 है और टाइम टी प्लस 2 है अपॉन में 100 और दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो यहां पर 100 से 100 को काट देंगे, पी से पी को काट देंगे, ये बच गया 18 टी बराबर है 15 टी जमा 30। ठीक है, अब 18 में से 15 गए तो 3 बराबर है 30, टाइम आ गया 10 साल। पहले वाली मनी 10 साल के लिए दी गई है, दूसरे वाली मनी जो है वो 12 साल के लिए दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट अगर बराबर है, आपसे अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बराबर हो तो आप उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो हमने आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाया है बिल्कुल। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो फिर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।